एपिसोड की शुरुआत ड्रामा की फीमेल लीड की इंट्रोडक्शन से होती है, जिसका नाम कियान है। कियान स्कल्पचर डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और फिलहाल उसकी लाइफ में सिर्फ दो गोल्स हैं। पहला, अपनी फील्ड को ऑयल पेंटिंग में चेंज करना, और दूसरा, अपनी लंबी सिंगल लाइफ को खत्म करके किसी रिलेशनशिप में आना। इसके साथ ही कियान के रूम में उसकी तीन और दोस्त भी होती हैं, जिनमें से एक थी शिनचिन, जो कि बहुत खाती है और उसकी फोटो एडिटिंग स्किल्स कमाल की है। दूसरी का नाम है जियानिंग, जो दूसरे लोगों से लड़ने के लिए और जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और तीसरी है क्वांगयांग, जो कि काफी सीधी सादी लड़की है। वो सभी बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, तभी क्वांगयांग किसी काम से उठकर वहां से चली जाती है और अपनी जगह कियान को बैठा देती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, कियान के बैठते ही उनके रूम में डिसिप्लिन टीम आ जाती है और उनके कार्ड्स को ले लिया जाता है, क्योंकि ये सब हॉस्टल में अलाउड नहीं था। इस डिपार्टमेंट में था कॉलेज का सबसे फेमस और हार्ट थ्रोब लड़का, जिसका नाम था शिन। वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इन सबका क्लासमेट भी, जिसे देखकर वो सभी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्हें इस बार छोड़ दे, लेकिन वो नहीं सुनता और उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन कहीं पर भागती हुई जा रही थी, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहती है कि वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाएगी, लेकिन वो उन्हें काम का कहकर कॉल कट कर देती है। असल में वो ऑयल पेंटिंग मेजर में जाने के लिए एग्जाम देने वाली थी, इसीलिए वो एक शॉर्टकट चूज करती है, लेकिन वो बंद था। फिर भी वो उसे ही चूज करती है और आगे जाकर वो शिन से टकरा जाती है, जिससे शिन का स्कल्पचर नीचे गिरकर खराब हो जाता है और किन खुद पानी में गिर जाती है। पर शिन उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता और अपने स्कल्पचर को देखने लगता है। तभी किन को एक बोटिंग करता हुआ लड़का बचाता है, जो कि उसे बिना देखे थैंक्स कहकर एग्जाम हॉल में उसी हालत में पहुंच जाती है। लेकिन उसे एग्जाम फिर भी नहीं देने दिया जाता, क्योंकि वो पूरी भीगी हुई थी और उसका एडमिट कार्ड खराब हो चुका था, जिसके बाद किन अपने दोस्तों से शिन की बुराई कर रही थी। दूसरी तरफ शिन भी अपने दोस्तों को सारी बात बता रहा था। आगे हम देखते हैं कि शिनचिन और किन कुछ बॉक्सेस लेकर जा रहे थे, जिसमें उनकी हेल्प एक लड़का करता है और वो सॉन्गसी था, वही लड़का जिसने किन को पानी में बचाया था। उसके जाने के बाद शिनचिन किन को रिक्वेस्ट करती है कि उसे सॉन्गसी को कोई गिफ्ट देना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, इसीलिए किन उसकी बात मानकर सॉन्गसी को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है। वहां से बाहर निकलकर किन शिनचिन को बताती है कि उसने सॉन्गजी को वॉच गिफ्ट कर दी। तब शिनचिन उसे एडवाइस करती है कि उसे सॉन्गजी को डेट करना चाहिए। तब किन उसे बोलती है कि उसे सॉन्गजी जैसे लड़के पसंद नहीं है, क्योंकि वो सभी की हेल्प करते हैं और अगर वो उसे डेट करेगी तो उससे बिल्कुल भी स्पेशल फील नहीं होगा। जो सारी बातें पीछे खड़ा सॉन्गजी भी सुन रहा था। अब जैसे ही किन पीछे मुड़ती है तो वो सॉन्गसी को देखकर शॉक हो जाती है। तब वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो तो उसे उसका मील कार्ड लौटाने के लिए आया था, जो वो गलती से वॉच के साथ वहीं पर छोड़ गई थी। तब किन के जाने के बाद सॉन्गसी को याद आता है कि बचपन में एक लड़की ने भी उसे ऐसा ही कुछ कहा था और वो सोचने लगता है कि शायद किन वही लड़की तो नहीं। आगे हम देखते हैं कि किन कहीं पर जा रही थी, जिसे रास्ते में शैंक गिरने से बचाता है और उसे पता चलता है कि किन को फीवर हो गया है, इसीलिए वो उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उस दिन उसकी हेल्प नहीं की थी इसलिए उसे बुरा लग रहा था। लेकिन किन उसे इग्नोर कर चली जाती है। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गई थी, क्योंकि उनके कॉलेज में एक फेमस पेंटर आने वाले थे, जिनका वेलकम करने के लिए किन और जियानिंग को चूज किया गया था। लेकिन किन बहुत ही चीख रही थी, इसीलिए उसे मना कर दिया जाता है। उसके बाहर आने पर शैंग उसे दवाई देता है और कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उस दिन उसकी भी गलती थी। जिसके बाद क्लासरूम में उन्हें बताया जाता है कि उन्हें एक स्कल्पचर तैयार करना है, इसीलिए सभी लोग इस काम में लग जाते हैं। तभी शिनचिन किन से कहती है कि शैंग का स्कल्पचर सबसे अच्छा होगा और अगर वो उसे तोड़ दे तो फिर किन का स्कल्पचर सबसे अच्छा दिखेगा। उनकी ये बातें शैंग भी सुन लेता है, हालांकि शिन ने मजाक में किया था लेकिन फिर भी वो डर जाता है। पर किन क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। फिर टाइम स्किप होता है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पर किन कुछ लेने के लिए वापस से क्लासरूम में आती है, लेकिन गलती से उससे शैंक का स्कल्पचर गिरकर टूट जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने उसे सच भी बताया तो भी वो उसका यकीन नहीं करेगा कि ये गलती से हुआ, इसीलिए वो उसे खुद ही ठीक कर देती है। पर अगली सुबह अपने स्कल्पचर को देखकर शैंक को समझ आ जाता है कि उसने नहीं बनाया है, इसीलिए वो सीसीटीवी चेक करने का कहकर क्लासरूम से बाहर जाता है और उसके पीछे पीछे किन भी जाती है। पर वो क्लासरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ये किन ने ही किया होगा। तब वो उसे बताती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया बल्कि गलती से हुआ और उसने रात भर बैठकर उसके स्कल्पचर को ठीक भी कर दिया। पर शैन उसे कहता है कि जो उसने बनाया वो उसके खुद के ब्रेन का MRI स्कैन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर को शैन का स्कल्पचर सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो ये बता देता है कि ये उसने नहीं बल्कि किन ने बनाया है और कहकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब शिनचिन और किन नहाने जा रहे होते हैं
तो शिनशिन उसे बताती है कि कई साल पहले एक लड़की ने हॉस्टल के वॉशरूम में सुसाइड कर लिया था और तभी से उस वॉशरूम के दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। जो सुनकर किन थोड़ी डर जाती है और जब वो नहाने जाती है तो वो जाकर उस दरवाजे को खोल देती है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत। असल में उस दरवाजे की दूसरी तरफ बॉयज वॉशरूम था। अब एकदम से सारे लड़के उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और किन भी वहीं पर जम जाती है। तभी वहां पर शेन आकर उसके मुंह पर टॉवल डाल देता है और फिर उसे बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। अगले सीन में कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि बास्केटबॉल कप में जीता हुआ टॉवल एक लड़की के पास है और वो टॉवल शिन ने जीता था। ये सारी बातें लिंगवाई की फ्रेंड उसे बता रही थी और कहती है कि शायद शिन किसी को डेट कर रहा है, जो सुनकर लिंगवाई सैड हो जाती है क्योंकि लिंगवाई शिन को हाई स्कूल से ही पसंद करती थी। फिर क्लासरूम में अनाउंस किया जाता है कि डिपार्टमेंट्स के बीच एक बास्केटबॉल मैच होगा और उसमें 3 लड़कियों को होना जरूरी है, इसीलिए मैं लिस्ट के अंदर क्विंग, क्वेंगिंग और जियानिंग का नाम डाल देता है। लेकिन प्रैक्टिस के समय क्विंग नहीं आती तो शेन डांट कर जियानिंग को उसे बुलाने के लिए कहता है और क्विंग किसी तरह गिरते पड़ते कोर्ट के अंदर आ जाती है। फिर शेन उसे बास्केटबॉल सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन किन के लिए तो एक टॉर्चर के जैसा था। दूसरी तरफ लिंगवे की दोस्त उसे कहती है कि शेन किसी लड़की को अकेले बास्केटबॉल सिखा रहा है, जो सुनकर वो अपसेट हो जाती है और देखने के लिए कोर्ट में जाती है, जहां वो किन से ही टकरा जाती है और उसके हाथ से पानी उसके ऊपर गिर जाता है और क्योंकि उसने व्हाइट टी शर्ट पहना था इसलिए वो सी थ्रू हो जाती है, जो देखकर शेन तुरंत उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। पर केन उसकी जैकेट उसे वापस कर तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है और वहां ड्रेस को सुखाने लगती है, जहां वो ये सोच रही थी कि आखिरकार शेन इतना भी बुरा नहीं है। सीन अब मैच के दिन पर शिफ्ट होता है, जहां मैच के बीच में लड़कियां केन को जानबूझकर परेशान कर रही थी और उसे जानबूझकर गिरा के चोट लगा रही थी, जो बात सॉन्ग से भी नोटिस करता है। और येमिंग भी सॉन्ग से क्विन के अपोजिट खेल रहा था और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेन क्विन को डेट कर रहा है। फिर मैच के बीच में क्विन शेन को बॉल पास करने के लिए बोलती है और जैसे ही वो उसे बॉल पास करता है तो वो बेवकूफों की तरह ओपोनेंट की साइड पे बास्केट कर देती है, जिससे कि उन्हें पॉइंट मिल जाते हैं और शेन उसे घूर घूर कर देखने लगता है। फिर मैच के बिल्कुल आखिरी के 10 सेकंड्स में क्विन को बॉल फिर से मिल जाती है और वो इस बार सही जगह बास्केट करती है, जिससे वो और उसकी टीम मैच जीत जाते हैं और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ येमिंग शेन से कहता है कि उसने नोटिस किया है कि लड़कियां जानबूझकर क्विन को परेशान कर रही थी और ये शायद लिंगवाई की वजह से है, जो सुनकर शेन उसे जवाब देता है कि उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है और उसे वो नहीं चाहिए, जो उनके पीछे खड़ी लिंगवाई की दोस्त सुन लेती है और उसे जाकर बता देती है और कहती है कि उन्होंने क्विन को बिना मतलब के परेशान किया, जो सुनकर वो अपना हाई स्कूल का पास याद करने लगती है जब वो और शेन साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन शेन तब भी उसे भाव नहीं देता था। अब साथ जाने पर लिंगवाई अपनी दोस्त से कहती है कि उन्हें क्विन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उन्हें पीई क्लास को ज्वाइन करने का मैसेज मिलता है और वो सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन किन को आने में लेट हो जाती है, इसी वजह से उसे पनिशमेंट दी जाती है कि वो एक हफ्ते तक ग्राउंड की सफाई करेगी। पर सॉन्ग से उसे कोई काम नहीं करने देता और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि मैच के दौरान किन की गले पर निशान को देखकर उसे पता चल गया था कि वो उसकी बचपन वाली दोस्त है। फिर स्पोर्ट्स रूम में भी वो यही बातें कर रहे थे और उसकी मुसीबत तो तब बढ़ जाती है जब सोंगसी को ही गेम में उसका पार्टनर बना दिया जाता है। अब उसकी काफी ज्यादा परेशान करने पर वो उसके ऊपर गीला कपड़ा फेंक कर मारती है, लेकिन वो सीधा शेन के मुंह पर जाकर लगता है, जो कि वहां पर बॉल लेने के लिए आया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में किन सोचती है कि वो सोंगसी को कमरे में बंद कर देगी, जिससे उसे उसके साथ नहीं खेलना पड़ेगा, और वो ऐसा ही करती है, लेकिन वो सोंगसी की जगह गलती से शेन को बंद कर देती है, जिसके पास लिंगवाई उसे बात करने के लिए आई थी, जहां वो उसे हाई स्कूल रियूनियन में चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो सीधा ही मना कर देता है। दूसरी तरफ किन जब बाहर सोंगसी को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि रूम के अंदर तो कोई और है और वो सीधा उसे खोलने के लिए भागती है। खोलने पर जब उसे वहां पर शेन के साथ लिंगवाई दिखती है तो वो उन्हें कुछ और समझकर सॉरी कहकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हम शेन और कुमन को अकेले स्पोर्ट्स रूम में देखते हैं, जहां पर किन शेन से सवाल करती है कि उसने डिस्टर्ब तो नहीं किया, जिसके जवाब में शेन कहता है कि उसने उसकी हेल्प की है। फिर किन वहां पर अपना स्पोर्ट्स लेग पैड ढूंढने लगती है और वो उसे ना मिलने पर वो सोंगसी का इस्तेमाल करने वाली थी, पर शेन तुरंत उसे बता देता है कि उसका पैड ऊपर रखा हुआ है। अब क्विन उसे उतारने के लिए रैक पर चढ़ जाती है और गिरने ही वाली थी, लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे उतार देता है। तभी किन को दरवाजे पर लिंगवाई का ब्लैक पाउच मिलता है, जो कि वहां पर उसे जानबूझकर गिराकर चली गई थी ताकि शेन उसे वापस देने आए। क्विन उस पाउच को उठाती है और शेन को उसे लिंगवाई को लौटाने के लिए कहती है, पर शेन उसे साफ मना कर देता है, लेकिन उसे अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में सभी लोग अपना काम कर रहे थे, तभी वहां पर लिंगवाई आकर उसे उसके पाउच के बारे में पूछती है, लेकिन वो बोलता है कि उसे नहीं पता। तभी किन उसे आवाज देती है और बताती है कि वो उसके पास है, उसने उसे उठा लिया था।
तभी लिंगवई अपना इंट्रोडक्शन किन से करती है और बताती है कि वो डांस डिपार्टमेंट में है। किन भी स्माइल करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनकी बातों के बीच शेन क्विन को अपना काम करने के लिए कहता है और लिंगवई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन सी चैंग पर नज़र रखी हुई थी क्योंकि वो ऑनलाइन गेम्स में लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेता था और ऐसा उसने शिनशिन के साथ भी किया था। इसलिए वो उसकी एक लड़की के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और पीछे शिन भी बैठा हुआ था। वो उसके पास टिश्यू लेने के लिए जाता है जिससे उसका फ़ोन सूप में गिर जाता है। तब शेन उसे उसका फ़ोन क्लीन करते हुए देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि जो वो कर रही है वो इलीगल है। पर क्विन इसकी बातों पर ध्यान न देकर सी चंग से मिलने के लिए चली जाती है और उसका वीडियो दिखाकर अपनी गलती मानने को कहती है, पर वो उल्टा क्विन का फ़ोन ही छीनने लगता है। तभी वहाँ पर शेन आकर उसे रोक देता है और उसके काम को भी इलीगल बताकर चला जाता है। फिर किन भी उसे अपनी गलती मानने का वॉर्न कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ बाहर उसे शेन मिलता है जो उसे अजीब हरकतें करने के लिए पागल बुलाता है और पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है कि सी चंग उसकी बात मान जाएगा। जिसके जवाब में किन कहती है कि वो मानेगा क्योंकि वो अपने डैड से बहुत डरता है। तब शेन कहता है कि वो इंटेलिजेंट भी है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब जाते वक्त किन एक पोल से टकराने वाली थी जिससे शेन उसे बचा लेता है। जिसके बाद डॉर्म रूम में शेन के दोस्त उसे किन को अप्रोच करने के लिए कहते हैं लेकिन वो उनकी बात को टाल देता है। अगली सुबह किन जल्दबाजी में शेन से टकरा जाती है जिससे उसके लिपस्टिक शेन की व्हाइट शर्ट पर लग जाती है लेकिन वो उसे नहीं देखता। इसके बाद क्लासरूम में प्रोफेसर किन को जियानिंग की गलत अटेंडेंस लगाते हुए पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एब्सेंट थी। इस वजह से प्रोफेसर किन को बहुत डांटते हैं। जिसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि उनके बैच के बाद स्कल्पचर कोर्स कॉलेज में बंद कर दिया जाएगा, जो सुनकर सभी बच्चे अपसेट हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर उन्हें सैड ना होने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि चिंता ना करो, मैं ही तुम लोगों को आखिर तक पढ़ाऊंगा और अनाउंस करते हैं कि उन्हें एक फेस्ट की तैयारी करनी होगी। इसलिए वो सब सोच ले कि उन्हें क्या क्या करना है। प्रोफेसर के जाने के बाद क्लासरूम में यीमिंग अनाउंस करता है कि उन्हें पैसे कलेक्ट करने होंगे, इसलिए वो सभी अपने पैसे ऑनलाइन या फिर कैश में किन के पास जमा कर सकते हैं। तभी शेन अपनी शर्ट पर लगी लिपस्टिक को देख लेता है और किन को कहता है कि वो अगली बार से किसी लड़की से ना टकराए, जो सुनकर किन एम्बैरस होकर उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। अगले सीन में शेन अपनी शर्ट से लिपस्टिक का मार्क हटा रहा था जिसे उसके दोस्त देख लेते हैं और उससे लिपस्टिक वाली लड़की का नाम पूछते हैं, पर शेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर टाइम स्किप होता है जहां पर सबके पैसे देने के बाद सिर्फ शेन ही बचा हुआ था, जो किन को पैसे देने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाता है जहाँ सभी लोग उन दोनों को कपल कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तब किन उन्हें कहती है कि वो और शेन कपल्स नहीं है, इसे वो लोग गलत आइडिया ना लगाए, और वो शेन से भी सभी को क्लियर करने के लिए कहती है। तभी शेन भी सभी को बता देता है कि वो दोनों कपल्स नहीं हैं, पर उसी वक्त पीछे से सॉन्ग जाकर किन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हो भी नहीं सकते क्योंकि वो उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड है, जो देखकर शेन को थोड़ा बुरा फील होता है। और किन भी इन सारी बातों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे शेन और सॉन्ग जी देखते रह जाते हैं। अब अगले दिन किन अपनी अटेंडेंस वाली हरकत के लिए प्रोफेसर से सॉरी बोलने के लिए जाती है, जहाँ पर शेन पहले से ही मौजूद था, और उनकी बातों से उसे पता चलता है कि उन्हें स्कल्पचर बनाने के लिए मॉडल ढूंढनी है, जो उसके लिए एक अच्छा मौका था प्रोफेसर के सामने अपनी रेपुटेशन ठीक करने का। इसलिए वो बोल देती है कि वो मॉडल ढूंढ कर लाएगी, पर जब उसे पता चलता है कि पिछली बार शेन ने ही मॉडल ढूंढी थी और पैसों के लिए बार्गेन किया था, इसलिए वो उसकी हेल्प लेने के लिए उसे एक अपनी हैंड क्रीम गिफ्ट कर देती है, ये कहते हुए कि उसके हाथों को इसकी ज़रूरत होगी। अब जब किन क्लासरूम में होती है तभी शेन उसके पास आकर उसे काट देता है और उसे बोलता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों मॉडल से बात करने के लिए चलेंगे। पर प्रोफेसर शेन को किसी काम के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं और प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए किन कह देती है कि वो अकेले ही मॉडल से मिलने के लिए चली जाएगी, पर बाहर आकर वो अपने डिसीजन पर खुद ही रोने लगती है और रास्ते में उसे जियानिंग मिल जाती है, जिसे किन बताती है कि वो ये सब प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। उसने उसकी हेल्प करने के चक्कर में क्लासरूम के अंदर जो अटेंडेंस लगाई थी उससे उसकी इमेज प्रोफेसर के सामने गिर गई थी। आगे वो बताती है कि उसने शेन को भी इसलिए हेल्प करने के लिए कहा और उसे अपनी एक्सपेंसिव क्रीम दी ताकि वो आसानी से मान जाए, क्योंकि पिछली बार शेन ही मॉडल को लाया था। जो बातें पीछे खड़ा हुआ शेन भी सुन रहा था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल प्लेन थे, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में है। तभी किन और जियानिंग भी उसे देख लेते हैं लेकिन शेन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में किन क्लासरूम में थी और वो मॉडल नहीं ला पाई थी क्योंकि उस मॉडल ने मिलने से ही मना कर दिया था। तभी प्रोफेसर आकर मॉडल के बारे में पूछते हैं, जो सुनकर वो घबरा जाती है और मना करने ही वाली थी। तभी शेन कहता है कि मॉडल आ जाएगी, जो देखकर किन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी शेन आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही उससे कोई बात करता है।
पर केन उससे पूछती है कि वो मॉडल कैसे लाया, जिस पर शन जवाब देता है कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जो कि वो नहीं करती। जिसके बाद केन उसे मनाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर एक जगह पर केन से गलती से टैप टूट जाता है जिससे शन अपने हाथों से रोक कर उसे ठीक कर देता है, और उसके जाने के बाद शन शिनकिन को चिढ़ाने लगती है कि उसने जानबूझ कर किया। इसके बाद प्रोफेसर शेन किन और जियासी को बुलाते हैं क्योंकि वो उन्हें सीनियर्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर पेयर करने वाले थे, जहां किन कुछ सोचने के बाद हाँ कहता है और जियासी भी, लेकिन शेन सोचने का थोड़ा वक्त मांगता है क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करता था। तब प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस काम की पेमेंट भी मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन की फैमिली उसके स्कल्पचर मेजर को चूज करने के अगेंस्ट थी, इसलिए वो उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं, और शेन के पास अब सीनियर्स को ज्वाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए अगले दिन उन्हें तीन सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनके नाम थे यू जियांग, हुआंगजी और लिन चाओ। लिन चाओ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। फिर काम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और लिन चाओ को छोड़कर बाकी दोनों सीनियर्स किन को अजीब अजीब काम दे रहे थे, जैसे कि कभी उसे पानी की बाल्टियां लाने को कहते हैं तो कभी पेपर उठाने को, कभी वो उसे बाहर भेज देते तो कभी पेंट लाने को बोलते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जूनियर उनसे अच्छे नहीं थे। फिर हुआंगजी किन को पेंट लाने के लिए कहता है लेकिन उसके लाने पर वो उसे डांटने लगता है कि वो गलत लाई है। तब किन कहती है कि वो वही लाई है जो उसने उसे लिख कर दिया था, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी पीछे से शन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसने वो स्पेशल मटेरियल नहीं डाला हो जो कि उन्हें डालना होता है, लेकिन हुआंगजी एटीट्यूड में कहता है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी लिन चाओ उसे स्ट्रिक्टली पूछता है कि क्या उसने वो मटेरियल मिलाया है, और उसका चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि हुआंगजी झूठ बोल रहा था। फिर वो उन्हें वार्न करता है कि वो लोग सीनियर्स की तरह ही बिहेव करें। इसके बाद किन किसी काम से नीचे पानी लेने के लिए जाती है और शिनशिन को कॉल करके कहती है कि वो आज लेट हो जाएगी क्योंकि उसे बहुत काम है, लेकिन ऊपर आने पर उसे गेट बंद मिलता है और वो समझ जाती है कि ये दोनों सीनियर्स का काम है। तभी पीछे से शेन भी बाहर आता है, मतलब कि वो भी वहाँ पर लॉक हो गया था। अब किन उसे ग्रिल खोलने को कहती है जिसके जवाब में वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन किन सोचती है कि वो करना नहीं चाहता इसलिए वो खुद ही ग्रिल पर चढ़कर उसे खोल देती है, और ऐसा करने से वो गिर नहीं वाली थी, पर शेन उसे बचा लेता है। लेकिन बाहर जाने पर उसे गेट बंद मिलता है। तब शेन उसे बताता है कि उसने कॉल किया है और कोई ना कोई आता ही होगा दरवाजा खोलने के लिए। फिर वो किन से सवाल करता है कि वो सीनियर्स की बात को इतना क्यों मानती है, वो बस उसे परेशान कर रहे थे। जो सुनकर किन उसे जवाब देती है कि वो प्रूफ करना चाहती है कि वो सभी कामों को कर सकती है और प्रोफेसर की नजरों में उसकी इमेज ठीक हो जाए। अब जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी सोंगसी और लिनवाई गार्ड के साथ वहां पर आ जाते हैं, जहां गेट खुलते ही सोंगसी किन से फ्लर्ट करने लगता है। वहीं लिनवाई भी शेन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो रूम में पहुंचकर अपने दोस्तों को बातें सुनाता है क्योंकि उसने उनको मदद के लिए फोन किया था लेकिन उन लोगों ने वहां पर लिनवाई को भेज दिया था। अगले सुबह किन और शेंग मिलकर स्कल्पचर को पेंट कर रहे थे, इसी बीच किन शेन की नोज पर पेंट लगा देती है लेकिन वो कुछ ना कहकर बस स्माइल करता है। अब थोड़ी देर बाद उनका काम लगभग खत्म ही हो चुका था, तभी शेन देखता है कि एक पॉइंटेड वायर किन के पैरों के पास आ रही थी जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसके बाद प्रोफेसर आकर उनके स्कल्पचर्स की तारीफ करते हैं, पर किन का ध्यान शेन के हाथों पर उनके जाने के बाद जाता है। फिर वो शेन को पकड़कर ले जाते हैं और उसके हाथों पर बैंडेज लगाती है, साथ ही साथ वो उसे ट्रीट देने का भी कहती है। तब उसका कोई जवाब न सुनकर वो कुछ कहने ही वाली थी, पर शेन उसे टाइम और वेन्यू मैसेज करने का कहकर स्माइल करते हुए चला जाता है। इधर किन भी स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।